दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका चैप्टर है 8 जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है संतोष यादव। बेसिकली ये जो चैप्टर है संतोष यादव के ऊपर लिखा गया है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट पाई है उसके बारे में, जैसा कि हम सभी जानते हैं संतोष यादव एक ऐसी पहली विश्व महिला रही है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और वो पूरे संसार की एकमात्र महिला है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर की समरी। संतोष यादव का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां लड़कों का होना बहुत अच्छा माना जाता था और लड़कियों का होना इतना अच्छा नहीं माना जाता था। और वो बताते हैं जब उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय एक साधु ने उनकी मॉम को ब्लेसिंग दी कि तुम्हें बेटा ही होगा। पर पास ही खड़ी उस ना जन्मे बच्चे की दादी ने कहा कि हमें बेटी चाहिए और वो जो आशीर्वाद था वो सफल रहा और संतोष का जन्म हुआ। संतोष 5 भाइयों में छठी एक बहन थी, 5 भाइयों की एक लौती बहन। और उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। पैदा होने के बाद उनका नाम संतोष रखा गया और जहाँ वो रहती थी वहाँ की जीवन शैली जो है बहुत ही ट्रेडिशनल वे में थी। बहुत ही पारंपरिक तरीके से वहाँ लोगों का पहनना ओढ़ना था। जहाँ वहाँ की लड़कियाँ जो हैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहना करती थी और यही जो संतोष यादव है वो शॉर्ट में रहती थी। और वो बताती हैं कि शुरू से ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अगर मैं सही हूँ और समझदारी का रास्ता अपनाती हूँ तो दूसरों को बदलने की ज़रूरत है, ना कि मुझे। संतोष की फैमिली जो है बहुत ही समृद्ध फैमिली थी और वो अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए भेज सकते थे, जैसे कि दिल्ली जैसे स्टेट में। और वो बताती हैं कि उन्होंने उनके जो ट्रेडिशनल वे थे रहने के और बहुत से वहाँ के जो रीति रिवाज थे उनके अकॉर्डिंग उन्हें गाँव में ही पढ़ने के लिए जो है फोर्स किया गया। बट वो चुपचाप ही इन सब रीति रिवाजों से सही समय आने पर चुपचाप ढंग से लड़ने का निश्चय कर बैठी थी और वो सही समय आ ही गया था। जब वो 16 साल की हुई तो उनकी एज की जो लड़कियां होती थी उनके गांव में उनकी शादी हो जाती थी। पर उन्होंने शादी का जो दबाव था उनके पेरेंट्स का उसको बिल्कुल भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। और उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया और वहीं अपने पढ़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पेरेंट्स से उनके जो स्कूल की फीस और बहुत से जो खर्चे थे उठाने के लिए कहा, पर उनके जो पेरेंट्स उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, मैं खुद ही कोई पार्ट टाइम वर्क करके अपना खर्चा निकाल लूँगी। तो उनकी फैमिली फिर उस चीज़ के लिए राजी हो गई कि तुम्हारी एजुकेशन जो भी खर्च है वो हम कर देंगे। और संतोष यादव ने अपनी आगे बढ़ने की इच्छा को जारी रखा। संतोष हाई स्कूल की परीक्षा जब पास कर लेती है तो वो जयपुर चली जाती हैं और वहाँ उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा मिल गया और वो कमरा जो है अरावली पहाड़ियों के सामने था। वो बताती हैं कि वहाँ जो है हमेशा अरावली पहाड़ी पर वो लोगों को, यानी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ग्रामीण लोग, उनको चढ़ते हुए देखा करती थी। फिर उन्होंने भी इस चीज़ को फाइनल कर लिया कि मैं भी वहाँ एक दिन ज़रूर जाऊँगी। और जब वो वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ बहुत से माउंटेनियर्स हैं और उनसे वो मिलती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं भी आपके ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। और संतोष यादव को इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व और खुशी महसूस होती है जब उन लोगों का आंसर हाँ में होता है। और इसके बाद संतोष यादव ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कुछ पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स में ज्वाइनिंग ले ली। और वो बताती हैं कि वो अपने घर लौटने की बजाय सीधे ही ज्वाइनिंग सेंटर पे पहुंच गई, ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच गई। और उसके बाद उन्होंने अपने डैडी को सॉरी लेटर भी लिखा क्योंकि वो अपने डैडी की बिना परमिशन के वहाँ एनरोल कर चुकी थी उत्तरकाशी में। संतोष यादव उसके बाद हर साल उस अभियान में जाती रही। उन्होंने अपने शरीर को इस तरीके से ढाल लिया था कि वो ऊंचाई और सर्दी को सह सकती थी। उनके इस हार्डवर्क को पहचान 1992 में मिली। केवल उसे 4 साल के बाद उन्होंने शर्माते हुए अरावली के पर्वतारोहियों से
उनमें शामिल होने की परमिशन मांगी और मुश्किल से 20 साल की एज में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली। संसार की सबसे छोटी आयु वाली महिला बनी जिन्होंने इस साहसिक काम में सफलता प्राप्त की। दूसरों के साथ काम करना, मिलजुल कर काम करने की जो उनकी इच्छा थी, उसके कारण उन्होंने अपने साथी जो माउंटेनियर्स थे उनके मन में एक विशेष स्थान बना लिया था। और वो बताती हैं कि 1992 के इस एवरेस्ट अभियान के दौरान उन्होंने एक माउंटेनियर की जान बचाने की कोशिश की जो कि साउथ पोल में मरा पड़ा था, पर वो बचाने में सफल नहीं हुई। पर उसके साथ एक और था मोहन सिंह, उसके जान बचाने में वो सफल हुई और उसे अपनी ऑक्सीजन का कुछ भाग देती रहती थी उस दौरान। 12 महीनों के अंदर ही संतोष यादव भारत नेपाल महिला अभियान की सदस्यता हासिल कर चुकी थी और तब उन्होंने एवरेस्ट पर दूसरी बार विजय प्राप्त की और एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला का रिकॉर्ड बनाया और इस चीज के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। और उस समय की जो भावनाएं थी उनको, जब वो संसार की चोटी पर खड़ी थी, उनका वर्णन करते हुए बताती हैं कि उस समय के टाइम को समझने में उन्हें कुछ समय लगा, क्योंकि उसकी जो एक गर्व की फीलिंग थी उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। और वो बताती हैं कि तब उन्होंने भारत का तिरंगा फहराया और उसे संसार के शिखर पर थामे रखा। और वो कहती हैं कि भारत का झंडा संसार की चोटी पर लहरा रहा था और उन्हें भारतीय होने का गर्व महसूस हो रहा था। एक जोशीले एनवायरमेंटलिस्ट होने की वजह से वो हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा भी इकट्ठा करके नीचे लाई।